Hello dear students, how are you doing? We are Punya Sri Circle and welcoming you in our classroom. Dear students, in this lecture, we will be teaching you about the functions that are being performed by the commercial bank in modern times. In our last lecture, we studied about what do we mean by bank and how many types of banks are operant in Indian economy. So, very first, I will start with the meaning definition of bank so that I can provide you a detailed account of the functions that have been performed by the commercial बैंक। बच्चों, इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं, वो कौन सी सेवाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं, हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंदर उसको सुदृढ़ करने में किस प्रकार से योगदान प्रदान कर रहे हैं, उसको दूसरे देशों के साथ जोड़ने में, या हमारा जो नागरिक बेस है उसको एडवांस फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। Here, very first, as I have told you, bank means a financial institution that is offering various kind of financial solutions. That means the solution related to the capital to the customers. And customer may be an individual, it may be a joint Hindu family, it may be a business organization, it can be a manufacturing undertaking, or it can be a trading concern. So, हर एक वो economic unit जो हमारी अर्थव्यवस्था में existent है, वो bank की ग्राहक हो सकती है. So, commercial bank. There are many types of bank. I told you about six type of bank: commercial bank, industrial bank, agriculture banks. We are having payments bank. We are having developmental bank. There are many types of banks. So in this lecture, we'll be specifically talking about commercial bank, means those financial institutions or those banking companies which are empowered to not only accept deposit from their customer but also to grant them loan and credit through various kind of financial प्रोडक्ट। बेटे, आज हम उन बैंक्स की बात करेंगे जो ना केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अपने ग्राहक से, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार का साख भी उपलब्ध करवाते हैं अल्पकाल से लेकर मध्यकाल की अवधि तक। इसके साथ साथ जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, आजकल वो अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के तौर पर भी एक्ट करने लगे हैं। वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज भी हमें उपलब्ध कराए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट दैट वी आर फ्रॉम द बैंक गेट इनकम। यू नो, whenever bank get deposit, they provide interest on it or some kind of other benefits on the amount deposited with it. So the rate that the bank provide or the interest that provide on deposits with it is always less than the rate it charged on the loan extended to the economic units. बेटे, दो ब्याज की दरें हैं यहाँ पर। एक तो वो ब्याज की दर जो बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है उनके द्वारा बैंक के पास जमा की गई राशि के ऊपर, और दूसरा वो ब्याज है जो वो उन व्यक्तियों से, उन आर्थिक इकाइयों से चार्ज करता है, कलेक्ट करता है जिनको उसने लोन ग्रांट कर रखा है, ऋण ग्रांट या ऋण प्रदान कर रखा है। सो जो हमारा चार्ज होता है इंटरेस्ट, वो हमारे प्रोवाइडेड इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक इज कॉल्ड स्प्रेड। उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, अंतर बोलते हैं दो ब्याज की दरों का। और ये जो स्प्रेड है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द कमर्शियल बैंक। आय का मुख्य स्रोत यही जानी जाती है। आई मस्ट कोट द डेफिनेशन दैट वॉज गिवन अंडर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल बैंक। ए बैंकिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज ट्रांजेक्टिंग बैंकिंग बिजनेस, दैट मीन्स एक्सेप्टिंग डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग अदर्स और investing, which are repayable either on demand or otherwise, or withdrew by the depositor through check, draft, orders and otherwise. एक banking company वो company है जो bank का व्यापार कर रही है, ग्राहकों से वो जमा स्वीकार करती है। किस लिए? ताकि उनके लिए खुद निवेश कर सके या फिर दूसरे लोगों को पैसा उधार दे सके या दूसरी आर्थिक इकाइयों को पैसा उधार दे सके, उसे हम क्या बोलते हैं? एक banking company बोलते हैं या एक banking institution बोलते हैं। नाउ वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ मेन फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक। चार मुख्य प्रकार के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, जो एक व्यापारिक बैंक के द्वारा आधुनिक अर्थव्यवस्था में परफॉर्म किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस और ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फंक्शंस। दैट मीन्स दीज आर दोज एक्टिविटीज विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैव बीन परफॉर्मिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। बट चिरकाल से, अनंत काल से, जब से हमारे बैंक ओरिजिनेट हुए हैं, वो ये कार्य तो कम से कम करते आ ही रहे हैं। दैट मीन्स लोगों से जमा स्वीकार करना और उनको ऋण प्रदान करना। देन वी आर हैविंग द फंक्शंस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द कमर्शियल बैंक इन द लास्ट 20 सेंचुरीज एंड 21st सेंचुरी। सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं व्हेन बैंक स्टार्ट एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कस्टमर। वो आज ग्राहक के प्रतिनिधि के तौर पर भी व्यवहार करते हैं। देन सोशल फंक्शंस इनडायरेक्टली कुछ
सामाजिक कार्य भी बैंकों के द्वारा किए जाते हैं, जिनका लाभ ग्राहकों को सीधे ना होकर पूरी अर्थव्यवस्था को, ग्राहकों को तो होता ही है बेटे, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को इन सामाजिक कार्यों का लाभ मिलता है। Besides them, they also provide some electronic banking solution to the customer. कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट भी उपलब्ध करवाए जाते हैं मॉडर्न टाइम्स में, स्पेशली 21st सेंचुरी के अंदर, जो बैंक के फंक्शंस के तौर पर ही रिकॉर्ड होते हैं। वेरी फर्स्ट हियर वी आर हैविंग द प्राइमरी फंक्शंस, ट्रेडिशनल फंक्शंस, दैट मींस कमर्शियल बैंक आर ऑथराइज्ड बाय द बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट दैट दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज दे कैन ग्रांट लोन फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म टू इकोनॉमिक यूनिट्स थ्रू देयर वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज दे हैव डिवाइस एंड इन्वेंटेड। बेटे व्यापारिक बैंक से अभिप्राय उस बैंक से है जो ये मुख्य कार्य तो करेगा ही, दैट मीन्स लोगों से जमा स्वीकार करेगा विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से और जनता को ऋण भी प्रदान करेगा अलग अलग वित्तीय उत्पाद जो उसने निर्मित किए हैं समय के साथ साथ। हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंट डिपोजिटिंग, दैट मीन्स द डिपोजिट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो डिपोजिट फंक्शंस हैं, वो कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? देयर आर लार्ज मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक नाउडेज, बट हैविंग कंसर्न्स और कीपिंग इन माइंड द करिकुलम ऑफ 11th स्टैंडर्ड, वी हैव मेंशन हियर जस्ट फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग डिपोजिट अकाउंट एंड रिक्योरिंग डिपोजिट अकाउंट्स। दे आर बीइंग यूज्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। वेरी फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट। In this type of account, customer deposit money for a specific period of time. And before that time or day of maturity, he is not allowed to withdraw the amount that he has parked with the bank. If he decides to do so, either he will have to pay administrative charges or the rate of interest that was being promised by the bank at the time of depositing or buying such product will be reduced. Wo byaj जो बैंक ने प्रोमिस किया था ग्राहक को जब उसने एफडी करवाया था या टर्म डिपॉजिट बैंक के पास कराया था, उस या तो ब्याज दर को कम कर लेगा बैंक या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज करेगा या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंटरेस्ट रेट दोनों को ही वो कम कर लेगा अगर हम दी गई समय से पहले उस राशि को विड्रू करते हैं कमर्शियल बैंक से। जब भी कोई ग्राहक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है, देन बैंक प्रोवाइड देम एज ए एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कोड एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ये जो हमारी रिसिप्ट होती है इसको हम अपने पास रखते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और एट द टाइम ऑफ सरेंडर वी हैव टू रिटर्न इट टू द और हैव टू गेट इट कैंसल फ्रॉम द कंसर्न बैंक। या तो हमें कैंसिल कराना पड़ेगा अगर हम अपने प्रोडक्ट को सरेंडर कर रहे हैं या फिर हमें सबमिट करा के इसको कैंसिल कराना पड़ेगा जब हमारी पे पॉलिसी मेच्योर हो जाती है या हमारी एफडीआर मेच्योर हो जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन सच काइंड ऑफ अकाउंट इज हायर देन अदर काइंड ऑफ अकाउंट्स और द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द अदर काइंड ऑफ अकाउंट्स बाय द कमर्शियल बैंक। Thereafter, we are having the current accounts. You know, fixed deposit account उन व्यक्तियों के द्वारा यूज किए जाते हैं जिन व्यक्तियों के पास स्टेबल इनकम है, they want to secure their future or they want to have provision for their old age, they want to have provision for the marriage of their children or for their education. So, बेटे या तो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए या अपने बुढ़ापे की वित्त व्यवस्था करने के लिए लोग एफडीआर परचेज करते हैं और जनरली ये प्रोडक्ट उन्हीं ग्राहकों के द्वारा क्रय किया जाता है जिन ग्राहकों के पास स्टेबल इनकम है ड्यूरिंग देयर यूज टाइम। सेकंड वी आर हैविंग करंट अकाउंट, दीज आर द अकाउंट विच आर यूज बाय द ट्रेडर कम्युनिटीज। देयर इज नो इंटरेस्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर और बैंक ऑन सच काइंड ऑफ डिपॉजिट, बट दीज अकाउंट्स आर हैविंग फैसिलिटी ऑफ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉ। यू कैन डिपॉजिट एज मेनी टाइम यू वॉन्ट एंड यू कैन विड्रॉ अमाउंट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड थ्रू द चेक। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता है आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं चेक की सहायता से, जितनी भी बार आपको वहां कैश डिपॉजिट करना है आप करा सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहां पे आपको नहीं दी जाएगी विड्रॉल और डिपॉजिट के अंदर, लेकिन ऐसे खाते पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इवन दीज अकाउंट्स आर सब्जेक्टेड टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस, यहां आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इफ यूर मिनिमम बैलेंस डज नॉट कॉम्प्लाई इन दैट केस बैंक विल कलेक्ट फ्रॉम यू सर्विस चार्ज, बैंक आपको सर्विस चार्ज कलेक्ट करेगा इम्पोज करेगा आपके ऊपर जो आपको भुगतान करना पड़ेगा बाय नॉट कम्प्लाइंग टू द मिनिमम लिमिट एज सेट एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। ऐसे अकाउंट पे हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो रेपुटेड ट्रेडर्स होते हैं जो बैंक के साथ लंबे समय से व्यवहार करते आ रहे हैं, अगर उनको उस राशि से ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ जाती है किसी कंटिजेंसी में जो उनके खाते में जमा है, इन दैट केस बैंक कैन परमिट फॉर दैट, बट दे हैव टू डिपॉजिट इट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड विच इज क्वाइट शोर, एक से डेढ़ महीने के समय पीरियड में हमें वो वापस करना पड़ता है जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है एट द रेट ऑफ सेविंग अकाउंट। देन वी आर हैविंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक के पास दो तरह के दायित्व होते हैं, टाइम लाइबिलिटीज एंड डिमांड लाइबिलिटीज। जो हमारे फिक्स डिपोजिट में अमाउंट डिपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक,
जो हमारे रिकरिंग डिपॉजिट में अकाउंट डिपॉजिट होता है, अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसको भी हम टाइम लायबिलिटी बोलते हैं. लेकिन द अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू करंट अकाउंट एंड थ्रू सेविंग अकाउंट आर कॉल्ड डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक. देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग जनरली यूज्ड बाय द मिडिल क्लास और सैलरी अर्नर पीपल हु वांट टू डेवलप सेविंग हैबिट्स और वांट टू कंप्लाई देयर सेविंग हैबिट इफ ऑलरेडी दे हैव हैड. बेटे जो लोग अपनी सेविंग हैबिट्स को क्रिएट करना चाहते हैं या जो अपनी सेविंग हैबिट्स पहले से हैं उसको ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, दे कैन बाय सेविंग अकाउंट्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन सेविंग अकाउंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. हियर वी आर हैविंग मैक्सिमम लिमिट टू द नंबर ऑफ विड्रॉल एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट ड्यूरिंग ए मंथ दैट वी कैन हैव इन आवर अकाउंट. यहां हमें मैक्सिमम लिमिट बता दिया जाता है कि इतने समय में इतनी बार आप एक महीने के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं और इतनी ही बार आप जमा कर सकते हैं. यहां करंट अकाउंट वाली फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है. देन वी आर हैविंग रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट मीन्स बार बार हमें जमा करना पड़ता है फॉर ए स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम. दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स आर जनरली प्रेफर्ड बाय द डेली लाइवलीहुड अर्नर और डेली वेज अर्नर. जो मजदूर हमारा वर्क है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रोज अपनी इनकम को अर्न करते हैं, हर रोज खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये खाता हमारा होता है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ यू कैलकुलेट कंपोजिट और कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड बी मच लार्जर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट. जो एफडीआर पे अकाउंट मिलता है उससे भी हमें कहीं ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर. ये हमारा जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की, उसको सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक प्रयास है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिपॉजिट ए स्पेसिफाइड अमाउंट एट ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एट द एंड ऑफ द प्री स्पेसिफाइड टाइम और द स्पेसिफाइड टाइम द प्रोडक्ट गेट मैच्योर एंड अमाउंट इज रिटर्न टू द कस्टमर. बट कस्टमर इज नॉट अलाउड टू सरेंडर और विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट. बट हेयर आर सम एक्सेप्शन. बट कंटीजेंसीज के ड्यूरेशन में हम ग्राहक को अलाउ कर देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर से या वो अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर से कुछ राशि या समस्त राशि निकाल सकता है. कहीं कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो इस दशा में वो क्या कर सकता है, अपनी जमा को इस्तेमाल कर सकता है. गवर्नमेंट विल नॉट कंपेल हिम टू रिटेन द अमाउंट विद इट. देन वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, टू द ट्रेडर्स और टू द हाउस होल्ड, बी दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग लोन, ट्रेडिंग लोन और कंजम्पशन लोन. आप हाउस लोन लें, आप कार लोन लें, आप फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए लें, आप ट्रेडिंग के लिए लोन लें, किसी भी पर्पज के लिए आप लोन लें, बट द लोन मस्ट बी फॉर द टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म. मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए या मध्यकाल के लिए ही आपको रेंट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. दैट लेट्स सी कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट मीन्स गिविंग क्रेडिट टू द कस्टमर इन कैश, एज द फ्रेज इटसेल्फ इंप्लाइज. यू नो दिस काइंड ऑफ कैश क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी. हियर वी आर हैविंग अ टाइम लिमिट विद इन विच वी हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट दैट वी हैव विथड्रॉन इन द कैश. कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद ए कैश क्रेडिट लिमिट. हर एक ग्राहक को बैंक एक लिमिट असाइन कर देता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर. फॉर एग्जाम्पल, आई डू हैव अ क्रेडिट कार्ड इन विच आई डू हैव कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹70,000. बट मेन बेनिफिट इज दैट बैंक विल नॉट चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन द कंप्लीट क्रेडिट लिमिट. दैट मीन्स अगर मैंने ₹10,000 अपनी कैश क्रेडिट से विड्रॉ किए हैं फॉर द कपल ऑफ मंथ्स, इन दैट केस बैंक वुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट ₹10,000, नॉट ऑन द एंटायर ₹20,000. पूरी राशि के ऊपर जो हमारी क्रेडिट कैश क्रेडिट की लिमिट है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, केवल उसी राशि के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो हमने सर्विस को अवेल ऑफ करते हुए निकाली है. देन वी आर हैविंग बैंक ओवरड्राफ्ट. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, करंट अकाउंट होल्डर्स हु आर हैविंग गुडविल, एस्टैब्लिश गुडविल विद द कॉमर्शियल बैंक, दे हैव बीन ट्रांजेक्टिंग विद द कॉमर्शियल बैंक, हु हैव हैड अकाउंट विद द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Bank understand their behavior that they deposit money and then they withdraw money. So bank can allow them on their request that they can withdraw money more than what they have deposited in their accounts. That excess amount that is withdrawn by the trader more than the amount deposited in his account is called bank overdraft. A short period of time is allowed to the customer to deposit the excess amount in the bank and bank charge interest on that excess amount at the rate of saving account. Here we are having demand loan. As name implies, demand loans, that means the loan extended to the customer.
specifically for working capital arrangement and which can be called back by the bank at any time or at its discretion. ऐसा लोन जो ग्राहक को दिया जाता है जिसको कभी भी बैंक वापस मांग सकता है. जनरली डिमांड लोन आर एक्सटेंडेड टू द कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं बी दे आर फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट, जो हमने बैंक के पास फिक्स डिपोजिट अकाउंट में जमा कर रखा है उसकी रिसिप्ट को हम गिरवी रख सकते हैं. वी कैन डिपोजिट और वी कैन प्लेस आर इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वट एवर काइंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वी आर हैविंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट, वी कैन ऑब्टेन डिमांड लोन फ्रॉम द बैंक. जो व्यापारी होते हैं उनको दैनिक खर्चों का भुगतान करने के लिए कुछ अल्पकाल में व्यवस्था चाहिए और वो व्यवस्था उनको डिमांड लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकती है या कंटीजेंसी है हमारे सैलरी डिले हो गई है. इन दैट केस हम अपने एफडीआर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करके और डिपोजिट करके या एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख के वहां से डिमांड लोन ऑब्टेन कर सकते हैं. हियर वी आर हैविंग द टर्म लोन. Like we are having fixed deposit. Fixed deposit are also called term deposit. Here we are having term loan. That means loan extended to the customer, be they are manufacturer, trader or household for a specific period of time, which is generally repaid by the customer through installment. बेटे ऐसा लोन जो एक निश्चित समय अवधि के लिए ग्राहक को दिया गया है और उसी निश्चित अवधि के दौरान उसे भुगतान करना पड़ेगा. जनरली ऐसे लोन का भुगतान ग्राहक के द्वारा इंस्टॉलमेंट में किया जाता है. इंस्टॉलमेंट हमारे ग्राहक के रेशियो पर डिपेंड करती है. बी ही वॉन्ट डेली इंस्टॉलमेंट, ही वॉन्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ एनुअली और एनुअल इंस्टॉलमेंट. एनुअल इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है. वी कैन सेटल आवर अकाउंट बाय मेकिंग ए लंप सम पेमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट दैट हैव बीन क्रेडिटेड एज ड्यू बाय द कमर्शियल बैंक. अब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स. यू नो सो फार एज अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड यू वे नॉट हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल बिल्स. वेन एवर ए ट्रेडर सेलिंग गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन क्रेडिट, ही मे हैव टू ऑप्शन. आइदर ही मे ग्रांट ए पीरियड टू डेटर विदाउट ऑब्टेनिंग फ्रॉम हिम रिटर्न असेप्टेंस. मतलब जब भी हम उधार में सामान सेल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम ग्राहक को सिंपली अलाउ कर देते हैं क्योंकि हम उसके अंदर विश्वास रखते हैं, वी आर हैविंग ट्रस्ट इन हिम, दैट ही मे मेक पेमेंट आफ्टर ए स्मॉल पीरियड. इवन हम पीरियड भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वहां पर बोल देते हैं चलो आप जल्दी से जल्दी इस राशि का भुगतान करने का प्रयास करें, क्योंकि मॉडर्न मार्केट में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है. अगर हम अपने ग्राहक को क्रेडिट ऑफर नहीं करेंगे ग्राहक हमारे साथ बना नहीं रहेगा. Another hand, we are having the customer in whom we are not having trust. That means they are not our regular customer. Or the amount of goods delivered to them is of large amount. In that case, we would like to have financial security. And having concern into our financial security, we ask to the customer that they accept the bill written by us. Usko bolte hain bill of exchange, jo seller likhta hai aur buyer usko accept karta hai and buyer submit it to the seller. Wo seller ki custody mein rehta hai. But if the seller need amount before the maturity date of such bill of exchange or commercial paper or trading bill, it can sell it to the commercial bank. जैसे मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है जो मेरे ग्राहक ने दिया है, 3 महीने बाद मैच्योर होगा लेकिन मुझे आज पैसे की आवश्यकता हो गई है, then bank can purchase this commercial bill. But what bank will do? Bank will detect a discount for the remaining period of maturity. जैसे 4 महीने का बिल है, 1 महीना हो चुका है, 3 महीने बचे हुए हैं, तो 3 महीने का डिस्काउंट काट के बैंक इमीडिएट पेमेंट कर देगा उस ग्राहक को जो कमर्शियल पेपर को या कमर्शियल बिल को या बिल ऑफ एक्सचेंज को बेच रहा है. और जो मेच्योरिटी होगी तो बैंक को वो राशि वहां से मिल जाएगी, वो बैंक की इनकम है जो डिस्काउंट उसने चार्ज किया है. और बैंक कैन आस्क यू पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट. ये दोनों ऑप्शन, डिस्काउंटिंग का ऑप्शन भी होता है और एज अ सिक्योरिटी भी हम उसको प्लेस करके एडवांस ऑब्टेन कर सकते हैं कमर्शियल बैंक से. इन दैट केस we will have to liquidate that bill ourselves. वो बिल हमें लिक्विडेट कराना पड़ेगा और डिसोल्यूशन का जो हमारा डिसओनरिंग का केस है, नोटिंग चार्जेस का बर्डन है, वो हमारे ऊपर ही आएगा, बैंक के ऊपर नहीं आएगा. और बैंक के ऊपर अगर आता भी है वो, क्योंकि हमने अगर बैंक को बिल भेज रखा है तब भी वो बैंक हमारे अकाउंट से ही डिटेक्ट करता है. इट डज नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल पर्सन ऑन द अकाउंट ऑफ डिसओनरिंग ऑफ द बिल. देन वी आर हैविंग हियर एजेंसी फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन मीन्स इन मॉडर्न टाइम्स बैंक हैव आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कस्टमर. वो अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के तौर पर एक्ट करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. कुछ सामान्य आवश्यकताएं की सेवाएं भी प्रदान करते हैं और अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के तौर पर भी एक्ट करते हैं. कहां एक्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट. कलेक्शन एंड पेमेंट, यस, बैंक कैन बी अथोराइज बाय द कस्टमर ऑन हिज ऑर्डर दैट दे मेक कलेक्शन ऑफ द पेमेंट ड्यू फ्रॉम द डेटर, कलेक्शन ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ interest from the deposit wherever they are having, collection of rent from their
टीनेट्स, जो टीनेट्स को हमने अपनी प्रॉपर्टी उधार में दे रखी है, किसान को हमने अपनी जमीन दे रखी है रॉयल्टी के ऊपर, तो वो रॉयल्टी का कलेक्शन करे, इंटरेस्ट का करे, रेंट का करे, या हमारे ग्राहकों से चेक कलेक्ट करके लेके आए, वो सारा काम बैंक हमारे लिए कर सकता है। एज वेल एज इट कैन बी अथोराइज टू मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, लाइक पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ आर इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ आर रेंट, ये सारे भुगतान भी बैंक हमारे लिए कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें आदेश देना पड़ेगा बैंक को। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज व्हेनेवर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर बीइंग मेड बाय द कंपनी पब्लिक कंपनी और ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक आर अथोराइज टू बाय दीज प्रोडक्ट्स फॉर देयर कस्टमर प्रोवाइडेड द कस्टमर हैव प्लेस्ड ऑर्डर विद देम। अगर ग्राहक अपने बैंक को आदेश दे कि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्स ऑफर करे, ट्रेजरी बिल्स ऑफर करे, बॉन्ड्स ऑफर करे, या कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर जनता को अपने सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर्स बेच रही है, उस समय भी वो अपने ग्राहक के लिए सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है। बिसाइड्स दैट बैंक आल्सो ऑफर एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट, डीमैटलाइज्ड अकाउंट इन विच यू कैन हैव सिक्योरिटीज इन डिजिटल फॉर्म, शेयर डिवेंचर्स, व्हाटएवर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज यू आर हैविंग, बट दैट कम्स अंडर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट, लाइक एस्क्रो अकाउंट हमारा होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज हम रख सकते हैं, उसको बाइंग सेल कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा डीमैट अकाउंट होता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बैंक आपको एक डीमैटलाइज्ड अकाउंट ओपन करके देता है। वहां आप कमोडिटीज को, आप बुलियंस को, आप अपनी सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो बैंक आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही एक्ट वहां पर कर रहा होता है, एज अ ट्रस्टी के तौर पर वो वहां कार्य कर रहा होता है। सो बैंक कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। इफ यू वॉन्ट टू अपॉइंट बैंक एज यूर ट्रस्टी, दैट मीन्स द मेंटेनर एंड प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर और मेंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बैंक को देना चाहते हैं अपनी संपत्ति के लिए, अपने नॉमिनी के बिहाफ पे, तो बैंक वो कार्य आपके लिए कर सकता है। और अगर आप अपनी संपत्ति को ऑक्शन करना चाहते हैं, देन बैंक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर। एज एन एग्जीक्यूटर वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आप अच्छा दाम अपनी प्रॉपर्टी का प्राप्त कर सकते हैं। हियर वी आर हैविंग रिमिटेंस फंक्शंस, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकाउंट, थ्रू आरटीजीएस, थ्रू एनईएफटी एंड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी दैट वी कैन रिमिट अमाउंट नॉट विद इन कंट्री बट इवन अक्रॉस द वर्ल्ड। एक राशि को हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, जिस भी अकाउंट में हम पहुंचाना चाहें, वहां तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। देन वी आर हैविंग परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिगार्डेड एज द सोल कस्टडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज, दैट मीन्स इफ यू नीड टू हैव फॉरन एक्सचेंज यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी और फ्रॉम 1999 जब हमने फ्रा को पास किया, तब क्या हुआ बेटे, जो कमर्शियल बैंक है, जो हमारे अथोराइज डीलर हैं, दे वर प्रोवाइडेड विद द पावर दैट दे कैन बाय एंड सेल फॉरन एक्सचेंज फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली। वो ग्राहक से फॉरन करेंसी को खरीद भी सकते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर है जिसको एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव हुई है, कोई इंपोर्टर है जिसको पेमेंट करने के लिए फॉरन एक्सचेंज चाहिए, सो वो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से बाय और सेल कर सकता है। बिसाइड्स दैट फॉर द स्पेकुलेशन पर्पस, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, द कस्टमर कैन बाय फॉरन एक्सचेंज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अपने बैंक से वो बाय और सेल कर सकते हैं। आपको विजिट करना है कहीं पे, आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, या आपको सिंपली टूर के पर्पज से बाहर विजिट करना है, तो आप ये करेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं कमर्शियल बैंक से। आपके पास एक्सेस करेंसी है, वो आप डिपोजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, दैट ले स्पेसिफिक लिमिट इन पोजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। आप एक लिमिट से ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने पोजेशन में नहीं रख सकते। इफ यू आर हैविंग देन यू इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, वो नॉन अवेलेबल वॉरेंट के लिए क्रिमिनल ऑफेंस आपका रहेगा। हियर वी आर हैविंग लेटर ऑफ रेफरेंस, यू नो whenever we are acting in the market, we are behaving with the parties, so parties may expect to get information from some authentic source about our financial condition. जैसे हम किसी व्यापारी के साथ व्यापार करते हैं, उससे कोई सामान खरीद रहे हैं, उस दशा के अंदर वो व्यापारी ये चाहेगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करें, देन दिस अश्योरेंस और इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर कैन बी सर्व्ड बाय द बैंक टू द ट्रेडर कंसर्न्स विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पार्टी के बारे में जिस पार्टी के साथ हम बिहेव कर रहे हैं, सो कंसर्न पार्टी का जो बैंक है वो उसके लिए लेटर ऑफ रेफरेंस इश्यू कर सकता है। ऑन द बिहाफ ऑफ इट वी कैन विदाउट एनी हेजिटेशन कैन ट्रेड विद द पार्टी। Here we are having some kind of general utility services like locker facility. You may have listened that people buy a locker facility with the commercial bank at a nominal annual rent, in which we can place our important document, articles, antiques and precious metals possession. जो भी हमारे पास ज्वेलरी है, हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के, हमारे पास कोई एंटिक्स है, उसको हम सेफ कस्टडी ऑफ बैंक में रख सकते हैं। बैंक हमारे ट्रस्टी के तौर पर कार्य करता है वहां पर। और क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी या हमारे डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं, नॉमिनल रेंट होता है, बिल्कुल नाम मात्र का रेंट लिया जाता है,
traveler check and letter of credit. These are other kind of general utilities being offered by the commercial bank. What do we mean by traveler checks? You know, whenever you are traveling across the country or across the world, you would not like to possess the hard currency in your pockets or with your luggage. आप लोग हार्ड करेंसी प्रोसेस करना नहीं चाहेंगे. नाउ डेज वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल मनी. अब तो हमारे पास डिजिटल मनी है. अर्लियर वी यूज टू बाय ट्रेवलर चेक फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक सो दैट वी कैन विड्रॉ अमाउंट, वी कैन मेक पेमेंट एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रेवलर चेक. जब हम बाहर विजिट करते थे इन दैट केस ऑल्सो वी कुड प्रोसेस ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरन करेंसी. रेस्ट ऑफ करेंसी वी हैड टू कैरी थ्रू आवर बिजनेस कार्ड और थ्रू ट्रेवलर चेक विच वॉज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट इन टू फॉरन करेंसी और द करेंसी ऑफ आर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. यहां पर भी हमें आवश्यकता है. लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स वेन एवर एन इम्पोर्टर बाइंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम अदर कंट्रीज. बेटे जब भी कोई इम्पोर्टर कहीं से सामान खरीदता है तो एक्सपोर्टर क्या चाहेगा, या तो एडवांस में पेमेंट करे या उसकी जो पेमेंट है एक्सपोर्ट की उसके लिए कोई ना कोई गारंटी उसको मिले. सो दिस काइंड ऑफ रिटर्न गारंटी इज बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक ऑफ इम्पोर्टर्स टू द बैंक ऑफ एक्सपोर्टर. इसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट. हियर द कॉमर्शियल बैंक ऑफ इम्पोर्टर गिव रिटर्न कंसेंट दैट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड बिटवीन द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज कॉमर्शियल बैंक विल एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बींग सेंट बाय द एक्सपोर्टर अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट. जो डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे एक्सपोर्टर के द्वारा डिलीवरी के लिए उनके साथ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी आएगा. और अगर गुड्स हमारे सही दशा में पहुंच जाते हैं, कोई डैमेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुई है, या गुड्स हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, तब बैंक आपके कॉमर्शियल बिल को या आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा. दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारी पेमेंट को सिक्योर, जो हमारा क्रेडिट रिस्क है, जो हमारा पेमेंट रिस्क है उसको सिक्योर कर देती है. देन वी आर हैविंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिकल सर्विसेज. हियर बैंक आर हैविंग ह्यूज स्टैटिकल डाटा और डाटा अबाउट द मार्केट कंडीशन इन देयर डाटा वेयर हाउस. If you need to have information about specific kind of market or specific kind of customer or specific kind of traders, this information can be sold to you by the commercial bank against a nominal fees. या तो आप खुद market service conduct करें, आपको surveyor appoint करना पड़ेगा, wait करना पड़ेगा, और furnished data in the format you want can be delivered to you by the commercial bank in no time. कुछ भी समय नहीं लगेगा कि केवल आप commercial bank को payment करें, आपको relevant market का data, even tools applied of statistical mathematical. जो हमारे स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको अप्लाई करके एनालाइज करके भी आपको रिजल्ट नेट वो सबमिट कर देगा अगर आपके पास कोई स्टैटिशियन नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक. दिस आर दोस फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय एंड लार्ज बाय द कॉमर्शियल बैंक. बिसाइड्स देन देयर आर सम नॉमिनल फंक्शंस ऑल्सो लाइक सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, बट दोस सर्विसेज यू कैन रिकॉर्ड अंडर द एजेंसी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. I'm sure that you have enjoyed this lecture. Not only you have enjoyed this lecture, but you have gained every bit of information about primary and secondary function. In our next lecture, we will be discussing about the social functions and electronic banking solutions being offered by commercial bank. Till then, have a goodbye. Pay adequate time to your studies. See you soon. Take care. Stay home. Stay safe.